देखिए आज हम डीसी ऑफिस गांधरमल में, इसलिए आज हमारी पार्टी, अपनी पार्टी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पार्टी है, आई थी डीसी साहब के पास मेमोरेंडम पेश करने के लिए, जिसमें स्टेटहुड की पहले जिक्र थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी प्रॉमिस किया कि आपका पहचान वापस दे देंगे। हमारी पार्टी ने ऑलरेडी 3 मुद्दे उठाए थे। पहले जब हमारी पार्टी बनी, उसने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 चीज़ों के लिए मांग की थी, एक तो लैंड, दूसरा यहाँ की नौकरी, तीसरा स्टेटहुड जो हमारी पहचान है। 2 अल्लाह का करम है, 2 में हम कामयाब हो गए। हमारी पार्टी ने जो पहल उठाई थी, पहल प्रॉमिस करवाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, कि लैंड यहाँ का बचना चाहे जो कि बाहर का नहीं खरीद सके, वो हमारी अल्लाह का करम है, 95% हम वो बचा सके, 5% जो हमारी इस पर जाती है। और दूसरी हमारी है जो यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ की नौकरियाँ बाहर के लोग अब नहीं भर सकते यहाँ के फार्म। तीसरी हमारी थी स्टेटहुड। अब स्टेटहुड के लिए हमने पहल की थी, लास्ट संडे हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी थे, उसने भी प्रॉमिस किया कि नहीं, आपका जो आप लोगों ने कहा वो पार्लियामेंट में भी प्रॉमिस किया है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, नहीं आप लोगों को स्टेटहुड वापस देने के, जो हमारी पहचान है। दूसरी हमारी है जो यहाँ पे सबसे अहम है, ये भी वो भी अहम थी, ये भी ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट। देखो यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हमारे 3 लिस्ट अभी हाल ही में, आपको भी पता होगा, हाल ही में कैंसिल हुए हैं। क्या वजह था वो कैंसिल हुए, अब हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर इन 3 जो भी हैं अभी एडवर्टाइज निकाले जाएँ, जो यहाँ के यूथ एकोमोडेट हो जाए। तीसरी हमारी जो यूथ है अरेस्ट यहाँ पे डिटेनेशन में, उनको रिलीज़ किया जाए, जिस पे कहा गया था पहले कि इनको हमने इसलिए अरेस्ट किया कि यहाँ पे यात्रा है, टूरिस्ट है, उसके लिए हमने इनको अरेस्ट किया है। अब ऊपर वाले की दुआ से यात्रा भी पीसफुली कम्प्लीट हो गई और टूरिस्ट भी कम्प्लीट हो गया, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको छोड़ा जाए।